हेलो, नमस्कार दोस्तों। 16 अगस्त 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन में। बेसिकली आज तीन एडिटोरियल या तीन आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आए हैं, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उन आर्टिकल में, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयुष्मान भारत को लेके। कंटेक्स्ट को देखो, हम बात करें इस आर्टिकल की, बेसिकली वो ऐसे है कि कल भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो भाषण दिया था वहां पे आयुष्मान भारत जो स्कीम है इसके बारे में डिस्कशन है वो की गई थी, या इसके बारे में चर्चा की गई थी। और ये कहा गया था कि 25 सितंबर से गवर्नमेंट है वो आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च है वो करने वाली है। देखो यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी बातें वो कही गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा स्पीच में, तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका हम आर्टिकल के थ्रू मिले एग्जाम में यूज है वो कर सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार, मतलब राइटर का भी ये पॉइंट कहना है यहाँ पे कि हेल्थ और इकोनॉमी डेवलपमेंट है उन दोनों के बीच पहली बार ऐसा एक लिंक है, एक आप बोलते हो कि ब्रिज है वो बनाया गया है ताकि हेल्थ को इकोनॉमिक से कनेक्ट है वो किया जा सके। देखो अगर एक तरीके से हम देखें हेल्थ और इकोनॉमी दोनों के बीच में डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि अगर जब तक लोग हेल्थी नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे, और जब तक लोग काम नहीं करेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए लोगों की हेल्दी लाइफ बहुत जरूरी है ताकि हमारे देश की इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके लिए। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने एक ऐसा स्टेप है वो उठाया है, और कहीं ना कहीं अच्छे लिंक प्रोवाइड करवाने के कुछ स्टेप है वो उठाए हैं। इसके साथ ही बात करें अगर हमारे देश में, आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज काफी अच्छा है, और हमारे देश की अगर ह्यूमन रिसोर्सेज का हमें सही ढंग से यूटिलाइजेशन करना है तो उसके लिए अहम बात यह है कि उनकी हेल्थ वो अच्छी रहे ताकि वो अपने हेल्थ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या अपना योगदान है वो निभा सकें। मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम ह्यूमन रिसोर्सेज का सही ढंग से यूज वो कर सकते हैं, अदरवाइज डेली हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह लगाने पड़ेंगे। इसके बाद में देखो बात ऐसी है कि कुछ चैलेंज भी हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है। आयुष्मान भारत जो स्कीम है इसके सामने कुछ चैलेंज भी सामने आ जाते हैं। जैसे कि बात ऐसी है कि जो है आयुष्मान भारत स्कीम है इसको जो इम्प्लीमेंट करने का बेसिकली काम है वो है स्टेट का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट हो किया जाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो केवल स्पॉन्सर कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ पैसा यहाँ पे देने वाली है, बाकी स्टेट को ही इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना है। तो कुछ स्टेट है वो तो इसके प्रति थोड़े एक्टिव फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ स्टेट है वो न्यूट्रल अप्रोच लेके चल रहे हैं। मतलब स्टेट कहीं ना कहीं लापरवाही के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात साबित नहीं होगी। इसके बाद में देखो बात ऐसी है कि जो आयुष्मान भारत जो स्कीम है ना इसके अंदर हम बात करें तो इसके बेसिकली दो पिलर हैं। पहला पिलर तो इसका यह वो है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में यह प्रावधान किया गया है कि हमारे देश के 10 करोड़ जो फैमिलीज हैं उनको हेल्थ बीमा दिया जाएगा 5 लाख तक का। मतलब हमारे देश के 10 परिवार लोग हैं, 10 करोड़ जो लोग हैं उनको 5 लाख रुपये का हेल्थ बीमा दिया जाएगा। अगर वो बीमार हो जाते हैं कहीं भी और हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह होते हैं, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहां पे उनको 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से देखिए अगर हर परिवार में 5 लोग हैं तो कुल मिलाकर 50 करोड़ लोगों के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम है वो लगभग लेके आई है। बट देखो इसमें कुछ कमियां हैं वो भी हम देखने वाले हैं, और कुछ चैलेंज हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके साथ ही जो आयुष्मान भारत का सेकेंड पिलर है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो क्रिएट किए जाएंगे। मतलब हेल्थ और वेलनेस सेंटर क्रिएट किए जाएंगे, उसकी वजह से हेल्दी लाइफ है उसको तैयार किया जाएगा और हेल्दी माहौल है वो बनाया जाएगा। ये बेसिकली इसके दो पिलर हैं। बट इस आर्टिकल में बेसिकली ज्यादा फोकस क्या गया वो क्या गया नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। देखो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है इसमें बात है कि आउट पेशेंट केयर के ऊपर फोकस है वो नहीं किया गया है, केवल इन पेशेंट केयर पे फोकस किया गया है। इन पेशेंट केयर का मतलब यहाँ पे ये हो गया है कि हॉस्पिटल के अंदर जब भी पेशेंट एडमिट होगा तब भी उसका ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है, और उसी ट्रीटमेंट को यहाँ पे पेमेंट के थ्रू या उसी ट्रीटमेंट को यहाँ पे इंश्योरेंस में इंक्लूड है वो किया जाएगा। मतलब कोई पेशेंट ऐसा है जो जो ओपीडी के अंदर जाके वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह को चेकअप करवा रहा है फिर घर आके ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। अगर जो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसी के लिए ही यहाँ पे फैसिलिटी है गवर्नमेंट रखी गई है। तो इस चीज़ को लेकर राइटर यहाँ पे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि देखो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है बट फिर भी जो खर्चा होता है दवाइयों वगैरह का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में काफ़ी महंगा साबित हो जाता है। जैसे कि हमारे का टीबी का एग्जाम्पल ले लो, टीबी जैसी बीमारी है वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरी है, बट फिर भी टीबी का ट्रीटमेंट काफी लंबा होता है और काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की हमें एक सख्त जरूरत है। इसके बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो स्टेट का है, बट स्टेट कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट के पास एक तो भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और अहम बात क्या है कि स्टेट का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लेकर पीछे वो रह रहा है।
इसके साथ ही राइटर बता रहे हैं कि देखो पब्लिक और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी एक्चुअली आयुष्मान भारत स्कीम में इंक्लूड है, वो क्या गया है, मतलब जो भी पेशेंट है वो या तो पब्लिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट उनके लिए रखा गया है, ये काफी अच्छी बात है। इसके बाद में कुछ चैलेंजेस की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार आते हैं कि देखो हमारे देश में आपको पता है कि अगर सारा काम डिजिटल करना है तो एक बहुत बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट है वो करना होगा, वो सारा काम डाटा है वो हमें डिजिटल रखना होगा, तो हमें पता चल सके कि कितने लोगों की इंश्योरेंस वगैरह हुई है, क्या क्या उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम वगैरह चला सके। इसके साथ ही अहम बात कहेगी कि गवर्नेंस सिस्टम है हमारा स्टेट के जो न्यूट्रल अप्रोच है इसको कहीं ना कहीं में सुधारना होगा और स्टेट का एक्टिव रोल है वो लेके आना होगा। इसके साथ ही बात आती है कि मिसयूज ऑफ पॉलिसी, देखो हमारे देश में पॉलिसी तो गवर्नमेंट काफी अच्छी अच्छी बनाती है बट फिर भी उनका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। अहम बात हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल को देखो यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि हाँ भाई उनमें भी अगर ट्रीटमेंट होगा तो वो फ्री होगा। अब आप ये चीज सोच के देखिए अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कुछ लोगों से साठ गांठ कर ले और उनके फालतू के फर्जी झूठे चेकअप वगैरह करवा के गवर्नमेंट का पैसा ऐंठ लेंगे तो कहीं ना कहीं गलत चीज है ना, क्योंकि वो तो जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है भाई गवर्नमेंट खुद थोड़ी कमा रही है, गवर्नमेंट का तो पास जो भी पैसा आ रहा है वो टैक्स का पैसा ही है और टैक्स देती है आम जनता, तो अगर आम जनता का पैसा कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल है वो मिसयूज के तरीके से मतलब अपने आप हड़प लेंगे वो चीज कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये बात यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि देखो एक एथिकल इश्यू भी हो जाता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो सकता है, तो इसके लिए बेटर है कि कोऑर्डिनेशन लिंक बहुत अच्छे होने चाहिए। देखो जब कोऑर्डिनेशन लिंक अच्छे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि पब्लिक और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके बीच में लिंक तैयार किया जाएगा ताकि चेकअप वगैरह है वो पब्लिक हॉस्पिटल में भी करवाए जा सकें और जो भी एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह हो रहा है अगर मिसयूज होने की कोशिश की गुंजाइश लग रही है कहीं भी तो उसको एक तरह से क्रॉस चेक वगैरह किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके साथ ही देखो बात राइटरी फिर एक नया चैलेंज ये बता रहे हैं कि देखो केवल और केवल जो इन पेशेंट केयर को फोकस किया गया वो गलत बात है क्योंकि आउट पेशेंट केयर भी पेशेंट के लिए बहुत महंगी होती है। आउट पेशेंट केयर का मतलब देखो ये होता है कि वो पेशेंट जो जाके घर पे ट्रीटमेंट कराते हैं मतलब हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, काफी सारी ऐसी डिजीज होती है जैसे कि दांत वगैरह की सर्जरी होती है या फिर आपको बताऊँ नाक वगैरह की सर्जरी होती है, इनमें बेसिकली एडमिट करने की जरूरत वो नहीं होती है, जबकि इनका एक्सपेंडिचर या इनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो करना चाहिए। आउट केयर को भी आउट केयर जो पेटेंट जो पेशेंट केयर है इसको भी यहाँ पे फोकस करते हुए चलना चाहिए तभी हम अच्छे स्टेप या एक स्वच्छ भारत है या बोल सकते हो कि हेल्दी भारत है उसका निर्माण कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी में चार चांद है वो लग सकते हैं। इसके बाद में राइटर को सुझाव भी दे रहे हैं, राइटर के तरफ तो सुझाव ये दिए जा रहे हैं कि हमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर है इसको तो सुधारना ही होगा, इसके साथ हमें सेकेंडरी और टर्सरी जो पब्लिक हेल्थ केयर है इनके ऊपर फोकस करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा और जो भी प्रशासन में लापरवाही हो रही है इसको दूर करना होगा। इसके साथ ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के बीच लिंक बनाना होगा, कोऑर्डिनेशन करते हुए चलना होगा ताकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह को लेकर भी कोई इशू ना हो और प्रॉपर ढंग से ट्रांसपेरेंसी के साथ काम है वो कर सकें। इसके बाद में बात आती है कि देखो रूरल एरिया में देखा जाए तो काफी जगह ऐसी है रूरल एरिया में दूर दराज के रिमोट एरियाज जहाँ पे हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें कहीं ना कहीं रूरल एरिया के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करना होगा और हॉस्पिटल के लिए जो लास्ट में कनेक्टिविटी है वो स्थापित करनी होगी ताकि सभी लोगों को बेसिक फैसिलिटी या जो भी ट्रीटमेंट वगैरह वो प्रोवाइड है वो करवा सकें, अरेंजमेंट उनका कर सकें। फिर यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखो अकॉर्डिंग टू हमारे देश की जो जीडीपी है उसका लगभग दो से मतलब 2.5% की बात की जा रही है बेसिकली कि हमारे देश की जीडीपी का 2.5% पैसा है वो हेल्थ सेक्टर पे खर्च होना चाहिए और स्टेट के पास जो पैसा आता है उसका 8% एक्चुअली हमारे देश की हेल्थ सेक्टर पे खर्च वो होना चाहिए, बट हो क्या रहा है 2.5% पैसा वे भी खर्च नहीं हो रहा है। इसके लिए जो अहम काम हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है हमारे लिए वो है एक पॉलिटिकल विल की कि सारे पॉलिटिकल सारे जो पॉलिटिशियन है उनको एक साथ आना होगा और इस मामले में राजनीति की बिना किए हुए एक हेल्दी माहौल वो तैयार करना होगा ताकि हमारे देश की इकोनॉमी को भी फायदा इससे मिल सके। इसके साथ ही राइटर लास्ट में सुझाव ये दे रहे हैं कि देखो जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसमें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की बात की जा रही है भाई, इसके लिए हमें ओम्बड्समैन या एक कंप्लेन लाइन भी होनी चाहिए ताकि किसी को कोई भी कंप्लेन वगैरह हो तो उसका सॉल्यूशन वहां पे प्राप्त हो किया जा सके, कोई भी इश्यूज वगैरह हो उनको सोल्व किया जा सके। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, काफी अच्छे इसमें पॉइंट है तो उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है स्टॉक मार्केट को लेके, सिक्योरिटी मार्केट को लेके। बेसिकली इस आर्टिकल में सेबी के बारे में डिस्कस किया गया है कि देखो सेबी में संशोधन करने के लिए, आप बोल सकते हो कि सेबी में अमेंडमेंट करने के लिए काफी सारी कमेटियां आई हैं, उन्होंने बहुत से सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर यहाँ पे अमल किया गया है। सेबी का मतलब यहाँ पे है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, इसे 1988 में बनाया गया था, बट इसे स्टेचुरी बॉडी का दर्जा है वो 1992 में दिया गया था। इसका बेसिकली जो काम है वो है कि हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, इसको रेगुलेट करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। तो ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, या हम बोल सकते हैं बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे जो राइटर के बता रहे हैं कि सेबी के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। तो बेसिकली देखो सेबी के अंदर तीन खामियां हैं, इसकी वजह से सेबी में रिफॉर्म लाने की सख्त जरूरत है। एक तो ये है कि देखो सेबी है वो फ्रंट रनिंग को, जो फ्रंट रनिंग होती है शेयर मार्केट में, उसको रोकने में नाकाम रही है। इसके साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, उसको भी सेबी ढंग से नहीं रोक पाई है, मतलब वहां पे भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है सेबी को देखने को। और तीसरा बताया गया है कि सेडी अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस होती है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सेबी ढंग से काम नहीं कर पाई है। तो इन तीनों ही प्रैक्टिस के ऊपर कहीं ना कहीं हमें कुछ रिफॉर्म लेके आने होंगे ताकि इन तीनों तरह की प्रैक्टिस को रोका जा सके। तो अब हम इन तीनों प्रैक्टिसेस को बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि क्या ये प्रैक्टिस वो होती हैं। देखो बात करें हम फ्रंट रनिंग की, कि फ्रंट रनिंग प्रैक्टिस क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट है, उसमें एक अहम चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई। जब शेयर की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है, और जब उसकी डिमांड कम होती है तो उसका मतलब उसकी प्राइस कम होती है, और सप्लाई सारा सिस्टम ही चलता रहता है। बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे शेयर मार्केट है वो काम करता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जो ही शेयर मार्केट में थोड़ी तेजी आती है तो लगातार लोग एक साथ शेयर खरीदते हैं, वो ज्यादा मार्केट में उछाल है वो देखने को मिलता है। अब देखो बात ऐसी है, थोड़ा इसे हम ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान है, जैसे कि ये मान लो कि मुझे शेयर खरीदने हैं किसी भी कंपनी के, ये मान लो कि एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, उसके शेयर मुझे खरीदने। अब ये तो यानी कि मैं डायरेक्टली शेयर खरीदूंगा, मुझे कहीं ना कहीं ब्रोकर के थ्रू बेसिकली शेयर वगैरह खरीद जाते हैं। तो जैसे कि शेयर को खरीदने के लिए एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, तो वो डीमेट अकाउंट तो हम ओबियसली बैंक में खुलाएंगे। तो ये मान लो कि मैंने HDFC बैंक में डीमेट अकाउंट खुलवा लिया और उसके थ्रू मैं मेरी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। अब मुझे एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर खरीदने हैं, अब मैं पहले बैंक को तो बोलूंगा ना कि हाँ भाई बैंक आप मुझे को 10,000 शेयर है वो खरीद के दो, मैंने जैसे बैंक को बोल दिया। अब मैंने तो बोला है मान लो कि 6 बजे बिना मैंने बैंक को इन्फॉर्म किया कि हाँ भाई मेरे को 10,000 शेयर है वो इसके इस कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर खरीद के दे दो, ठीक है। बट हुआ क्या, कंपनी है उस कंपनी ने देख लिया कि यार ये इंसान 10,000 शेयर खरीदा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी मार्केट में तेजी आएगी और शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, तुरंत अपने लिए जो कंपनी है ना, जैसे बैंक मान लो कि HDFC, वो क्या करेगा अपने लिए शेयर खरीद ले, मतलब अपने लिए वो 8-10 हज़ार कितने भी शेयर खरीद ले, तो ये मान लो कि उसको शेयर है वो मान लो कि पर शेयर 100 रुपये का पड़ गया, और मैंने जब कहा तो उस टाइम पे वो शेयर 100 रुपये का था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसने वो शेयर खरीद लिया। बट जो ही अगर वो 8-10 हज़ार शेयर खरीदेगा तो आपको पता है मार्केट में तेजी आएगी, तो तेजी आएगी तो शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, तो शेयर की प्राइस से मान लो कि 110 होगी, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब मेरे जो शेयर खरीदे जाएंगे वो तो 110 की रेट में खरीदे जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे शेयर खरीदने में उन्होंने डिले कर दिया, तो 110 रुपये में शेयर खरीदे गए, तो इससे मेरे को तो नुकसान हुआ ही। इसके साथ बदले में क्या हुआ कि उन्होंने जो शेयर है वो अपना जो मुनाफा है वो उन्होंने कमा लिया, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रोकर है ना वो खुद का प्रॉफिट कर लेता है यहाँ पे, जो कस्टमर है उसका प्रॉफिट नहीं होने देता है। ब्रोकर समझदारी से फायदा उठाता है यहाँ पे, और कस्टमर के जो बेनिफिट होना होता है उसको एक तरीके से दबा देता है और खुद के प्रॉफिट को ज्यादा फायदे में ले जाता है, क्योंकि वो पहले अपने शेयर खरीद लेता है फिर कस्टमर के शेयर खरीदता है, तो उससे क्या होता है उसको नुकसान हो जाता है। तो ये तो बेसिकली होगी फ्रंट रनिंग। तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं इस जैसी जो ये प्रॉब्लम है इसको सेबी रोकने में काफी हद तक नाकाम है वो रही है, कि ब्रोकर है वो खुद का शेयर यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं और कस्टमर को नुकसान इससे हो जाता है। अब बात करें हम इनसाइडर ट्रेडिंग की। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब बहुत सीधा सिंपल सा है। जैसे आपको पता है कि कोई भी आदमी है, जैसे मैं मान लो कि किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ एक्स वाई जेड कंपनी में, और मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ कंपनी में, मतलब मुझे तो सब कुछ पता है कि हाँ भाई इस कंपनी में ऐसे ऐसे हो रहा है, इस बार कंपनी का इतना प्रॉफिट रहा है, इस क्वार्टर में इस हाफ ईयर में इतना रहा है, ये वगैरह सब है। तो जो ही अगर मार्केट में रिपोर्ट आएगी तो आपको पता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है तो कंपनी के शेयर मार्केट की वैल्यू है वो ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। तो अगर मुझे तो पता है इस चीज़ का कि हाँ यार कंपनी के इस बार प्रॉफिट अच्छा हुआ है, तो कंपनी को इसी से फायदा हो सकता है, मतलब फायदा होने का मतलब क्या है कि कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है। तो आप ये सोच के देखिए कि या तो शेयर मैं खुद खरीद लूं,
खुद ही पहले ही कि हाँ भाई ठीक है दाम बढ़ेंगे तो इससे कि पहले शेयर खरीद दूं और फिर बेच दूंगा, या फिर मैं किसी मेरे रिलेटिव या दोस्त को बोल दूं कि हाँ भाई ठीक है तू शेयर खरीद ले इस कंपनी के दाम, वो शेयर मार्केट अभी बढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी प्रॉफिट अच्छा खासा हो वगैरह वगैरह। तो ये देखो ये चीज़ है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में बैन है, मतलब कंपनी का जो बहुत बड़ा अधिकारी वगैरह होते हैं वो ना तो कुछ शेयर खरीद सकते और ना ही शेयर वो बेच सकते और ना ही किसी रिलेटिव वगैरह को, मतलब अपने रिलेटिव वगैरह को वो शेयर खरीदवा सकते क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको सीक्रेट रखनी होती है, ये एक्चुअली कंपनीज एक्ट के तहत बैन है, वो की गई है। तो इसको बोलते हैं इनसाइडिंग ट्रेडिंग, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। इसके बाद में तीसरी बात आती है, वो आती है सेडी अकाउंटिंग प्रैक्टिस। सेडी अकाउंटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है कि गलत डाटा अपडेट किया जाता है, जैसे कि सारा कंपनी थी उसने क्या किया था अकाउंटों के अंदर गफलाबाजी की थी, इसके साथ ही प्राइस है उसको फ्लक्चुएट करने के लिए फर्जी काम है वो किए जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फर्जी काम के थ्रू अपनी जो कंपनी है उसके शेयर की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की जाती है, वो आती है एक तरीके से सेडी प्रैक्टिसेस में। तो इन चीज़ों को सेबी रोकने में बहुत हद तक नाकाम है वो रही है। तो राइटर का ये कहना है कि देखो भाई जो सेबी के अंदर रिफॉर्म के लिए टीके विश्वनाथन कमेटी आई थी वो एक्चुअली रिफॉर्म के लिए तो कह रही थी बट अभी तक इस पर कोई फोकस है वो नहीं किया गया है। इसके साथ ही इस कमेटी ने कुछ सुझाव ऐसे दिए हैं कि देखो जो ऑडिटर कंपनी में जाके ऑडिट करते हैं कंपनी को अगर वो भी धांधलेबाजी कर रहे हैं तो उनको भी एक्चुअली इस मतलब सेबी के दायरे में रखना चाहिए ताकि वो सेबी के दायरे में रह के एक तरीके से काम है वो कर सकें और सेबी उनके ऊपर लगाम है वो लगा सकें। इसके साथ ही जो विसल ब्लोअर होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी इस टीके विश्वनाथन कमेटी ने सुझाव दिए हैं और यहाँ पे कॉल टेपिंग के बारे में भी कहा गया कि अगर कोई भी बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जैसे कि पीएनबी वगैरह में हुआ तो इन फ्रॉडों से अगर हमें बचना है तो हमें कॉल टेपिंग जैसी फैसिलिटी पे फोकस करना चाहिए ताकि हम कॉल रिकॉर्ड वगैरह कर सकें, लोगों की कॉल टेप कर सकें और हमें पहले से पता हो चल सके कि भाई यहाँ पे घपला होने की चांसेस है वो है। इसके साथ ही नए तरीके के रिफॉर्म पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि सेबी को और ज्यादा इफेक्टिव वो बना सकें और हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट सिस्टम है उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके। तो ये यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के कंसर्न्स भी हैं तो राइटर बता रहे हैं कि देखो अभी रिसेंटली सेबी में 331 कंपनियों के शेयर को बैन किया था, तो राइटर कह रहे हैं कि कुछ हद तक उनमें जेन्यून कंपनियां भी थी तो इसलिए सेबी को उनको क्रॉस चेक करके एक तरीके से बैन करना चाहिए था बट सेबी ने वो डिसीजन है वो पॉलिटिकल जल्दबाजी से लिया था तो वो कहीं ना कहीं गलत है। सेबी को खुद को डिसीजन लेने चाहिए और वो भी काफ़ी सोच समझ के लेने चाहिए और बहुत ही रिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हो कि बहुत ही कठोर कानून है वो नहीं अप्लाई करने चाहिए, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए। जो जेन्युइन इन्वेस्टर होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए सेबी को, इससे के साथ ही जो सेबी के पास पावर है इसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन करना चाहिए ना कि पॉलिटिकल तरीके से। तो ये कंप्लीट आर्टिकल के पॉइंट है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल है वो है मिलिट्री रिफॉर्म को लेके। देखो बेसिकली काफ़ी सारी कमेटियां काफ़ी सारी रिपोर्ट आई है मिलिट्री रिफॉर्म को लेके तो उनके बारे में एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बेसिकली मिलिट्री रिफॉर्म के बारे में यूएसए का एक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया गया है। इसमें राइटर का ये कहना है कि देखो इंडिया में भी थिएटर कमांड है वो बनाने की बात की जा रही है, तीन कमांड, एक नॉर्थ थिएटर कमांड, एक साउथ थिएटर कमांड और एक ईस्ट थिएटर कमांड। अब क्या होती है थिएटर कमांड ये हम एक्चुअली यूएसए के नजरिए से डिस्कस करते हैं तब हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे देखो यूएसए के अंदर ये कॉन्सेप्ट ऐसे किया जाता है कि वहाँ पे आर्मी हुई, नेवी हुई, एयरफोर्स वगैरह हुई, इन सबको मिला के या बोल सकते हो कि वहाँ पे जो इंटरनेट वगैरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ हुई, साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ें हुई, ये सारी एजेंसी मिला के क्या है वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे कि उन्होंने पैसिफिक एरिया के लिए एक थिएटर कमांड बना रखी है तो उस थिएटर कमांड का काम क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए सारा काम वही डील करेगी। अब देखते हैं हम इसे इंडिया के नज़र से, जैसे कि इंडिया में नॉर्थ कमांड बनाई जा रही है, साउथ कमांड और ईस्ट कमांड बनाने की बात हो की जा रही है, अभी बनी नहीं है केवल बातचीत की यहाँ पे की जा रही है। तो नॉर्थ कमांड का काम क्या हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ कमांड के अंदर आर्मी भी इंक्लूड होगी, नेवी भी इंक्लूड होगी और एयरफोर्स भी होगी, बस उसका काम ही होगा कि वो नॉर्थ एरिया पे फोकस करेगी, नॉर्थ एरिया के अंदर वो अच्छे से रिसर्च वगैरह वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है तो उनसे सारे काम डील करने के लिए नॉर्थ कमांड है वो काम करेगी। साउथ एरिया के अंदर कोई भी एक्टिविटीज होती है उनसे डील करनी है तो साउथ कमांड डील करेगी, उसमें इस दो थिएटर कमांड होगी उसमें नेवी एयरफोर्स हुई इसके साथ ही आर्मी है वो भी इंक्लूड होगी और भी जो हॉस्पिटल होगा, मतलब काफी सारी चीजों को मिला के कंप्लीट ग्रुप होगा, कंप्लीट आप बोल सकते हो कि पैकेज होगा उसमें सब चीजें इंक्लूड होंगी। ऐसा नहीं है कि फिर इधर उधर से हेल्प लेनी होगी, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू काम किया जाएगा ताकि उस वाले एरिया के बारे में और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन है वो रहे। ईस्ट कमांड होगी उसका काम होगा कि ईस्टर्न एरिया के अंदर कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है तो वहां पे नेवी एयरफोर्स और आर्मी तीनों मिलकर अपने आप ग्रुप रहेगा गुट के तौर पर काम है वो कर सकें। क्योंकि देखो अभी तक हमारे देश में देखा जाए तो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों है वो कहीं भी काम करती हैं ऑल ओवर इंडिया में, अगर एक साथ देखा जाए तो साउथ में भी काम करती है, नॉर्थ में भी, कहीं भी काम उनको करती है।
बट अगर इनको पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाए कि भाई नॉर्थ के एरिया के अंदर ये आर्मी एयरफोर्स है नेवी है इसके बटालियन काम करेगी, साउथ में ये एरिया ये इनको काम करना है और ईस्ट में इन एरिया को काम है वो करना है, तो इससे क्या होगा कि वो अपने एरिया में स्पेशल हो जाएंगे और उनको काफी ज्यादा नॉलेज रहेगा और वहां पर अगर कोई भी एक्टिविटीज होंगी तो उनसे वो निपट सकती हैं। बट इसको लेके कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न की बात ये की जा रही है कि देखो एयरफोर्स ने कहा भी था अभी कि भाई उनके पास रिसोर्सेज की भारी कमी है क्योंकि हमारे देश में एयरफोर्स है उसके पास जो नए तरह के विमान है नए तरह के इक्विपमेंट वगैरह वो बहुत कम है, तो उन एक तो सबसे पहले हमें वहां पे पैसा थोड़ा खर्च है वो करना होगा, इसके साथ ही हमें स्पेसिफिक एरिया की तरफ अगर फोकस करना है तो ये ज्यादा इफिशियंट चीज है क्योंकि जैसे कि यूएसए ने जो पैसिफिक थिएटर कमांड बना रखी है उसका मेन काम ये है कि पैसिफिक ओशियन के अंदर कोई भी एक्टिविटीज हो रही है मतलब देश के बाहर कोई एक्टिविटीज होती है उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली वो काम वो करती है, देश के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटीज से निपटना हो तो वो साउथ जो सॉरी पैसिफिक थिएटर कमांड वो काम नहीं करती है, वो तो केवल यूएसए बाहर के एरिया में अपनी दादागिरी या अपनी पावर बढ़ाने के लिए काम वो करता है। तो अगर इंडिया को बाहर के एरिया में अपनी पावर बढ़ानी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वगैरह में तब इसका यूज है वो करना चाहिए, बाकी इंडिया के अंदर ऐसा कोई है नहीं क्योंकि इंडिया के अंदर तो पूरी तीनों आर्मी एयरफोर्स नेवी मिलकर वैसे ही काम है वो कर रही है। तो इस आर्टिकल में ऐसे कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं दो चार, ऑल ओवर देखो राइटर का यही कहना है कि हमें मिलिट्री में रिफॉर्म वो लाने होंगे क्योंकि अभी हमारे देश में मिलिट्री की हालत ज्यादा ठीक नहीं है। मिलिट्री का मतलब यहाँ पे आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों की बात की जा रही है कि हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनमें हमें रिफॉर्म लाने होंगे, जो जो कमियां उनको दूर करने की एक सख्त जरूरत है ताकि फ्यूचर में कहीं भी वॉर वगैरह हो तो उससे हम निपट सकें। तो ये थी हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।